बिलारी के प्रथम विधायक मरहूम हाजी मोहम्मद इरफान के जन्मदिन पर सर्वधर्म समाज ने किया याद। जन्मदिन पर विधायक हाजी मोहम्मद इरफान द्वारा कराए गए विकास पर की चर्चा। बिलारी नगर के पौड़ा खेड़ा मंदिर के पास स्थित सभासद दिवेश शर्मा के आवास पर बिलारी विधानसभा के प्रथम विधायक मरहूम हाजी मोहम्मद इरफान साहब के जन्मदिन पर उनके द्वारा कराए गए विकास कार्य को सर्वधर्म समाज द्वारा याद किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए सभासद दिवेश शर्मा ने कहा, देश के बिलारी तहसील के ग्राम मोहम्मद इब्राहिमपुर में 22 अगस्त 1951 को जन्मे हाजी मोहम्मद इरफान साहब, जो कि एक विकास पुरुष योद्धा के रूप में बिलारी विधानसभा के प्रथम विधायक बने। आज ही के दिन आपका जन्म हुआ था। आपने ही बिलारी का नाम उत्तर प्रदेश में रोशन करने का काम किया। आपने एक साल बनाम 10 साल सोचकर बिलारी विधानसभा का 40 साल के हिसाब से 4 साल में विकास कर दिखाया। शायद ही कोई विधायक कर सके। आपने हर वर्ग हर मजहब के लिए काम किया, चाहे वो बेरनी का शिव मंदिर हो या की दरगाह। आपके द्वारा गांव-गांव में भ्रमण कर पक्की सड़कें बनवाई गईं, गांवों से गुजरने वाले मार्गों को पक्का बनाया गया। लोहिया जनेश्वर मिश्र जैसी योजनाओं में गांवों का चयन कराकर जनता को लाभ दिलाया गया। बिलारी में चौधरी चरण सिंह पार्क का निर्माण कराना हो, जैसे हजारों काम आपके ही द्वारा ही किए गए। आप हर किसी की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते थे, चाहे दिन हो या रात। आप लोगों के खुशी गम में शामिल होकर लोगों के बीच रहते थे। शायद इसीलिए लोगों के दिलों में आपके लिए भरपूर प्यार आज भी है। इस अवसर पर दिवेश शर्मा एडवोकेट सभासद जिला सचिव समाजवादी पार्टी मुरादाबाद, इसरार मामू सभासद, शानू सभासद, चेतन चौधरी सभासद, आतिफ कमाल एडवोकेट, नदीम फारूकी सभासद आदि मौजूद रहे। आज बिलारी विधानसभा के प्रथम विधायक स्वर्गीय श्री हाजी मोहम्मद इरफान साहब का हम सभी समाजवादी के कार्यकर्ता जन्मदिन मना रहे हैं, क्योंकि हाजी इरफान साहब ने बिलारी विधानसभा में पहली बार विधायक बनने के बाद जिस तरह विकास कार्य कराए, उन्होंने अपनी विधानसभा को आदर्श विधानसभा बनाने के लिए पुरजोर कोशिश की, लेकिन ऊपर वाले को मंजूर कुछ और ही था। हमारे विधायक जी हमें बीच में ही छोड़कर चले गए, लेकिन हमारी पूरी समाजवादी टीम, हमारी विधानसभा के लोग उन्हें आज भी बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि उन्होंने हर छोटे बड़े बच्चे और पूरी जनता का भरपूर सहयोग दिया, सभी को बड़े प्यार से रखा। तो उन्होंने जो कार्य किए थे, आज उन्हीं की वजह से हम उनको याद कर रहे हैं, और हम अपनी श्रद्धांजलि अपने माननीय मरहूम विधायक जी को अर्पित करते हैं, क्योंकि इस समय का जो माहौल चल रहा है, उस माहौल में बीजेपी का पूरी तरह से गुंडा राज चल रहा है, जनता त्राही त्राही कर रही है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है। जिस तरह से इन्होंने दोगली बातें करके जनता को धोखा देकर बीजेपी पार्टी सत्ता में आई थी, आज हम सभी लोग जानते हैं कि जिस प्रकार से बीजेपी ने जनता को गुमराह करके सत्ता हथियाई थी, लेकिन अब जनता ऊब चुकी है और जनता इनको जान चुकी है कि ये लोग कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। इसलिए क्योंकि अभी बिहार में चुनाव आने वाले हैं, बिहार के बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं, तो हमारे सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं से मैं अपील करूंगा, समाजवादी के कार्यकर्ताओं से, कि अब हम लोगों को घर में नहीं बैठना है, और बीजेपी की जितनी गलत नीतियाँ हैं, जिस तरह से उन्होंने जनता को भ्रम में डाला है, तो हम लोग जो है उनकी गलत नीतियों को लेकर जनता के बीच जाएंगे। और जो हमारे हरदिल अजीज युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के कार्य हैं, उन्होंने पिछले 5 साल में जिस तरह से जनता के लिए कार्य किए विकास के, हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कार्य लेके भी जनता के बीच जाएंगे। हम उन्हें अंतर समझाएंगे कि बीजेपी की सरकार में और समाजवादी की सरकार में क्या अंतर था, किस तरह से युवाओं का ध्यान रखा गया, किस तरह से महिलाओं का ध्यान रखा गया, किस तरह से बुजुर्गों का ध्यान रखा गया, और किस तरह से उन्होंने विकास किया। तो ये आने वाले जो दिन हैं बहुत ही चुनौतीपूर्ण हैं, और मैं माननीय अपने विधायक जी हाजी मोहम्मद इरफान साहब को एक बार फिर से अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।